नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। जयप्रदा ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। दक्षिण भारत की फिल्मों के बाद बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली जयप्रदा अब राजनीतिक में भी अपनी 567 छाप छोड़ रही है। राजनीतिक में तेलुगु देशम के बाद समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल का सफर करने वाली फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। भाजपा नेता उपेंद्र यादव ने जयप्रदा को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। रिलायंस इंडस्ट्री ने ITC के जॉन प्लेयर्स ब्रांड को खरीदा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने मंगलवार को जानकारी दी है कि उसकी इकाई रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने कंज्यूमर गुड्स अपनी ITC लिमिटेड के मेंस वियर ब्रांड जॉन प्लेयर्स को खरीद लिया है। ये खबर समाचार एजेंसी राइटर्स के हवाले से सामने आई। जानिए क्या है मैन केडिंग जिसने पलट दिया मैच का रुख। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान 185 रनों का पीछा करते हुए जीत की ओर बढ़ रही है। जोस बटलर 69 रन बनाकर क्रीज पर थे, लेकिन तभी अश्विन ने उन्हें मैन केडिंग के जरिए रन आउट कर दिया। इसके बाद मैच का पासा पलट गया और पंजाब ने 14 रनों से जीत दर्ज कर ली। हरियाणा कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आगाज। एक बस पर सवार हुए सभी नेता। प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता एक बस में सवार होकर 10 लोकसभा सीट का दौरा करेंगे। ये यात्रा आने वाली 6 दिनों तक चलेगी। कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद यहाँ सत्ताधारी पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर घेरना है, वही खुद को एकजुट दिखाने का प्रयास भी। अब फैशन के गलियारे में पहुंची रिंकू भाभी, लोग देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिल्म अभिनेता और हास्य कलाकार सुनील ग्रोवर ने रिंकू भाभी को अब फैशन की दुनिया में पहुंचा दिया है। सुनील ग्रोवर ने रिंकू भाभी की गेटअप में मुंबई में हाल में ही संपन्न हुए फैशन शो में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने रैंप वॉक पर वहां पर उपस्थित लोगों को खूब गुदगुदाया, विशेषकर जब उन्होंने ये बात कही कि हमारे पति हमको प्यार नहीं करते, सब लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। मौके पर बॉलीवुड के और भी कई कलाकारों ने इस शो में भाग लिया। ये शो कैंसर से पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए निधि संकलन करने के लिए आयोजित किया गया। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉयड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।